हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे जो हमारा विजडम टूथ होता है, अकल दाढ़ होती है, उसमें हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं या उसको निकलवा दें या फिर कोई और ट्रीटमेंट उसमें कराएं। ये आप लोगों ने पूछा हुआ था काफ़ी, और एक वीडियो बनाया हुआ था उसमें आप लोगों ने पूछा हुआ कि जो नॉर्मल हमारे दांत होते हैं उनमें हमें RCT करा के बचाना चाहिए दांत को या निकलवा देना चाहिए। इसके ऊपर वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा, उससे देख सकते हैं तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो यही हम समझेंगे कि विजडम टूथ को क्या किया जाए, निकलवा दिया जाए या फिर RCT से बचाया जाए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये करता है इन्फेक्शन होने पर, कई लोगों को सालों तक भी ये परेशान करता है, बहुत सीवियर पेन इसमें होता है जो विजडम टूथ है। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए, क्लियर आपको हो जाएगा। और चैनल में अगर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो विजडम टूथ है जो आखिरी में होता है, चार होते हैं, 1, 2, 3, 4, दो ऊपर दो नीचे, सबसे लास्ट में। तो ये पेन कब करता है, जब इसमें इन्फेक्शन होने लगता है या जब ये इरप्ट होता है, निकलता है, इसको जगह नहीं होती, क्योंकि लास्ट में है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, सारे दांत आ चुके होते हैं, 18 साल के बाद ये टूथ आता है, इसका टाइमिंग 18 साल के बाद है। तो जब लास्ट में बिल्कुल जगह नहीं होती है, अगर हमारा मुंह छोटा है, जो बोन है वो छोटी है, पूरे दांत उसमें आ चुके हैं, अब विजडम टूथ को आने के लिए जगह नहीं है, तब ये प्रॉब्लम करता है। तो अब इसमें रूट कैनाल कराना है या एक्सट्रैक्शन कराना है, तो देखिए जो पहले वीडियो मैंने आपको बताया बाकी दांतों के लिए, तो उसमें मैंने आपको रूट कैनाल सजेस्ट की थी, आपको अच्छे से समझाया हुआ था। लेकिन जो विजडम टूथ होता है अगर प्रॉब्लम करता है तो ज़्यादातर केसेस में इसको निकलवाना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन कराना पड़ता है। अभी किन कंडीशंस में वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जो विजडम टूथ है कितने प्रकार से आ सकता है। सबसे पहले तो अगर ये इरप्ट हो चुका है, मतलब कि आपकी माउथ ओपनिंग अच्छी है, माउथ ओपनिंग आपकी वाइड है, बड़ा मुंह खुलता है, पूरे दांतों की तरह ये भी पूरा इरप्ट हो चुका है, उसके बाद अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसमें किया जा सकता है। इस कंडीशन में अगर आप चाहें तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से इस टूथ को सेव करा सकते हैं। या फिर अगर टूथ वर्टिकल है, मतलब सीधा है, तिरछा नहीं है, जैसा मैंने बताया सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जगह नहीं है तो ये तिरछा निकलता है, कैसे कैसे पोजीशन में वो भी अभी हम समझते हैं। तो अगर ये सीधा आ रहा है और इसके ऊपर एक लेयर कवर है गम्स की, तो उस कंडीशन में अगर पेन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो गम्स की जो लेयर है उसको निकाल दिया जाता है, अपर क्लेक्टोमी उसको बोलते हैं, तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसमें RCT करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब समझते हैं कब एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, जो ज़्यादातर केसेस में होता है, विजडम टूथ के साथ ज़्यादातर केसेस में एक्सट्रैक्शन करने पड़ते हैं। तो ये देखिए, अगर हमारा दांत इस तरीके से है, मतलब मीजियो एंगुलर है, मतलब आगे की तरफ झुका हुआ है, जो हमारे सामने के दांत है उस तरफ तिरछा है, तो ये आगे आने नहीं वाला है, फ्यूचर में ये इरप्ट नहीं होगा, निकलेगा नहीं, और जब ये ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, तो आगे वाले दांतों को इन्फेक्शन करेगा, आगे वाले दांतों को ये पुश करेगा, प्रेस करेगा, तो ये जो हमारे यूज़ करने वाले दांत हैं जिनसे हम चबाते हैं उनको भी ये ख़राब करेगा, प्रेशर डालने की वजह से उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, तब इसको निकालना होता है। अब अगर ये बोन के अंदर है, जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये हम इसको बोलते हैं इम्पेक्टेड है, बोन के अंदर है, अगर थोड़ा सा निकल गया है और टिल्टेड है, तिरछा है, तो भी उस कंडीशन में भी इसको निकालना होता है। इसके बाद ऐसे ही अगर ये दूसरे साइड मुड़ा हुआ है, उसको हम डिस्टो एंगुलर बोलते हैं, तो भी इस कंडीशन में भी इस दांत को निकालना पड़ता है, जैसा आप देख रहे हैं। अब एक कंडीशन और होती है कि वर्टिकल ही है, सीधा ही है दांत, लेकिन बोन के अंदर है, जैसा मैंने आपको बोला इम्पेक्टेड है, बोन के अंदर ही है वो, और उस जगह में इन्फेक्शन हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐसे केसेस में भी इस दांत को निकालना होता है, रूट कैनाल पॉसिबल ही नहीं होता है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर ये टिल्टेड है तो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चारों दांतों में, चारों विजडम टूथ में अप्लाई होता है, 1, 2, 3, 4, चारों दांतों में ऊपर नीचे। और अब समझिए, अगर आपका टूथ इरप्ट हो चुका है, आप बोलेंगे कि इरप्ट हो गया है, इन्फेक्शन है, तो उसमें हम रूट कैनाल करके बचा सकते हैं क्या, निकलवाना नहीं चाहते, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपकी माउथ ओपनिंग कितनी है। मान लीजिए आपका टूथ पूरा इरप्ट है, लेकिन जब हम माउथ ओपनिंग करते हैं, मुँह खोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं खुलता है,
क्योंकि ऊपर की तरफ भी हमारे दांत है और नीचे जब हमें आरसीटी करनी है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है, तो जो लास्ट की जगह होती है एकदम लास्ट में, वहाँ पर बहुत छोटा सा स्पेस होता है और जब रूट कैनाल करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट जाता ही नहीं है। इसलिए अगर वाइड ओपनिंग है, बड़ा मुंह खुलता है, तो रूट कैनाल सजेस्ट की जाती है, करके उसको बचाया जा सकता है। नहीं तो ऐसे केसेस में भी एक्सट्रैक्शन करना होता है। और अगर आपका टूथ निकल गया है, इरप्ट है, उसके बाद इन्फेक्शन हो रहा है, तब निकालते हैं तो नॉर्मल एक्सट्रैक्शन होगा। अगर इम्पेक्टेड है, बोन के अंदर है, तो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होता है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और जो हमारा लास्ट वाला टूथ होता है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, विजडम टूथ को हम च्यूइंग में यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए अगर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको निकलवाने का सजेस्ट आपको किया जाता है। तो जो आपका कन्फ्यूजन था कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा सकते हैं कि नहीं विजडम टूथ में, करा सकते हैं अगर सजेस्ट किया गया है तो, नहीं तो एक्सट्रैक्शन ही ज़्यादातर केसेस में करने होते हैं। तो विजडम टूथ से रिलेटेड और बाकी डेंटिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ आपको और सजेस्ट हो जाएंगे, वो आप देख के अपने कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें जिनको ज़रूरत है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।